ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन एवं स्टेशन मास्टर एसोसिएशन से रेल मंत्री ने किया मुलाकात, विभिन्न मांगे होंगी जल्द पूरी। नमस्कार साथियों, अर्जुन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इनकी मांगे क्या क्या थी ये देखते हैं। @ अश्विनी वैष्णव जी का यह ट्विटर में ट्वीट देख सकते हैं। @BMS केंद्र के सौजन्य से रेलवे कर्मचारी ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन तथा ऑल इंडिया स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के सदस्यों के साथ विस्तृत चर्चा हुई। संज्ञान में आए विषयों पर @ रेल मिनिस्टर इंडिया जल्द काम शुरू करेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, अश्विनी वैष्णव जी ने RKTA के मेंबर्स और ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन के मेंबर से मिले हैं और स्टेशन मास्टर यहाँ पर देख सकते हैं आसमा के मेंबर से मिले हैं। किसने अश्विनी वैष्णव जी ने और विभिन्न मुद्दे क्या क्या थी इस पर चलिए चर्चा करते हैं। रेलवे में नौकरी चाहिए तो आपको मैथ्स रीजनिंग GK पढ़ना होगा अच्छे से। मैथ्स के लिए आप किरण की मैथ्स बुक ले सकते हैं जिसमें 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और रीजनिंग के लिए भी इसका ले सकते हैं जिसमें 8,700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और GK की बात की जाए तो आप ये ले सकते हैं रेलवे का 27,000 प्लस फैक्ट्स सार संग्रह का, ठीक है। और ये सभी 1990 के बाद के जितने एग्जाम्स हुए रेलवे में वो सभी चीज़ इसमें कवर होगी। तो स्टेशन मास्टर का दोस्तों 16 अक्टूबर 2024 में पहला जो डिमांड था वो MSEP फॉर स्टेशन मास्टर विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2016, डेजिग्नेशन चेंज एंड कैडर रिस्ट्रक्चर एंड टू ऑल SM लेवल 8 और 9, सेफ्टी स्ट्रेस रिस्क अलाउंस टू SM, एवोल्यूशन ऑफ EI रोस्टर, इश्यू ऑफ स्टाइपेंड एरियर्स। तो दोस्तों कई जगह 12 घंटा का यहाँ ड्यूटी कराया जाता है, बहुत जगह ऐसा है जहाँ पॉइंट्समैन और स्टेशन मास्टर दोनों ऑपरेटिंग स्टाफ 12 घंटा ड्यूटी करते हैं। तो वो एक मांग थी जिसमें एवोल्यूशन ऑफ EI रोस्टर, सेफ्टी रिस्क अलाउंस टू SM मिलना चाहिए और भी विभिन्न मांगे जो यहाँ पर चर्चा की गई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ट्रैक मेंटेनर एसोसिएशन ने क्या मांगे रखी। देखिए दोस्तों, LDC ओपन टू ऑल सबसे पहला मांग है ना, कि जिसमें विभिन्न विभाग के लोग नहीं दिला सकते, सिर्फ एक लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन इसका फुल फॉर्म होता है और लिमिटेड ही डिपार्टमेंट के लोग इसको दिला सकते हैं। की मैन मेट और पेट्रोल मैन के लिए 41,000 और 6,000 तक का तथा इंजीनियरिंग आर्टिजन स्टाफ के लिए 2,700 तक का रिस्क अलाउंस मिलना चाहिए, जो कि ऑलरेडी 2018 से मंजूर है और अभी तक लागू नहीं हुआ है, उसको रेल मंत्री जी ने आश्वस्त किया है। ट्रैक मेंटेनर का रनओवर की सबसे गंभीर समस्या पर रक्षा डिवाइस से बहुत अधिक बेहतर टेक्नोलॉजी पर काम करने के बारे में रेल मंत्री जी ने जानकारी दी और RKTA प्रतिनिधिमंडल ने ट्रैक मेंटेनर को टेक्निकल कैटेगरी मानकर ट्रैक मेंटेनर का एंट्री ग्रेड पे 1900 करके 2800 ग्रेड पे के बाद में ट्रैक मेंटेनर को 4200 ग्रेड पे देने से इस कैटेगरी के से पलायन जो कर रहे हैं वो कम होंगी, ऐसा मांग रखा गया है। और अश्विनी वैष्णव माननीय रेल मंत्री जी ने भी उनकी मांगों को ध्यान से सुन करके संज्ञान लिया है और जल्द ही इस पर काम करने के पर भरोसा दिलाया है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं NTPC पर भी अपडेट्स लाऊंगा जल्द ही। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।